टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। यू आर वॉचिंग आवर वीकली जम्मू एंड कश्मीर न्यूज बुलेटिन। आई एम हलीमा सादिया। J&K's Baramula gets its first isolation facility with ventilators support. J&K's Shopian gets its first multi-feed oxygen manifold system. Srinagar youth encouraging youngsters towards floriculture. Lychee farming blooms in Jammu. Watch Akshay Kumar dances with BSF jawans in Jammu and Kashmir's Bandipura. Now news in details. Government Medical College and Association Hospital Baramula received its first isolation facility with ventilator support. The newly installed facility can admit more than 60 patients. Under GMC Baramula, for the first time, people are getting ventilation supports. Unnecessary referrals to other places for consultations will now be lessened down, says Bhupinder Kumar, Deputy Commissioner of Baramula, in this report. फैक्ट रेफरल सेंटर फ्रॉम ऑल अदर जो हमारे पेरिफ्री के हॉस्पिटल्स हैं, कुपवारा से हैं, सोपोर से हैं या क्रीरी बाकी सब सेंटर्स हैं, यहाँ पर पेशेंट्स वो जो वहाँ मैनेज नहीं हो पाते हैं तो रेफर होते हैं। सो दिस इज़ अ टर्शरी रेफरल फॉर ऑल अदर वी कैन से फैसिलिटीज़ ऑफ नॉर्दर्न कश्मीर। सो दिस इज़ अनदर गुड वी कैन से सर्विस दैट GMC बारामूला इज़ गिविंग इन दिस टफ टाइम। मेरी मामा कोविड पॉजिटिव है तो हम पहले सोपोर हॉस्पिटल में थे 2-3 दिन, तो उनको वहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया लेकिन उनकी कंडीशन डिटोरेट होने के बाद उन्होंने हमें एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड किया। लेकिन उसके बाद हम यहाँ आए जो नीचे वाला कोविड GMC में है, वहाँ से यहाँ आए तो हर जगह ओवरऑल बहुत अच्छा है, सब है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं। GMC बारामूला के अंदर एक नई आइसोलेशन की फैसिलिटी क्रिएट करी गई है जो 62 बेडेड है और एक सेपरेट ब्लॉक है जिसको ऑक्सीजन प्लांट से भी जोड़ा गया है। और यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम मेडिकल कॉलेज में लोगों को वेंटिलेशन की सपोर्ट भी मिल रही है, जिसके कारण एक तो हमारे जो अननेसेसरी रेफरल्स होते थे श्रीनगर के लिए जो टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशन है वो भी उसमें भी कमी आई है। To the requirements of oxygen supply for multiple patients during the ongoing COVID-19 pandemic, the Tukru Government Primary Health Center PHC in the Shopian district of South Kashmir becomes the first PHC in Jammu and Kashmir Union Territory to get multi-feed oxygen manifold system technology.
बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये PHC चुना, ये बिल्कुल रोड पे है, ये फर्स्ट J&K में हमारा PHC पहला PHC वाहिद PHC है जहाँ पे ये मैनिफोल्ड लगा है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आते हैं और पिछली बार भी आए थे, उनको हमें उनको रेफ़र करना पड़ता था शोपियान या पुलवामा। इस टाइम हमें किसी को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ आराम से उनको यहाँ पे जो भी हमारे पास फैसिलिटी उनको हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने टुकरू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन सिस्टम लगाया है, ये बहुत बड़ा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही थी पहले लोगों को, कहीं कभी शोपियान जाना पड़ता था, कभी पुलवामा, कभी श्रीनगर। अब जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑक्सीजन सिस्टम लगाया है, यहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को, कोविड पेशेंट को खासकर जो परेशानी हो रही थी उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा इंतज़ाम है टुकरू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और यहाँ डॉक्टर साहिबान भी बहुत अच्छे हैं। An entrepreneur cum floriculturist, Shahid Bhatt from Srinagar is among the few youth who is into full floriculture sector. Shahid, who completed his studies till 10th class, said he has inherited the floriculture business from his parents. Speaking to ANI, he said more youth are now developing their interest in floriculture. देखो, जॉब की बात आपकी हकीकत है, जॉब अगर मैं चाहता था मैं अभी इसमें फ्लोरिकल्चर में भी लग जाता, एग्रीकल्चर में भी लग जाता, उसमें भी लग जाता, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अभी इतना ट्रेंड नहीं था यहाँ पे, कश्मीर में इतना ट्रेंड नहीं था, कश्मीर में मेला नहीं लगता था, कश्मीर में कोई एग्जीबिशन नहीं लगता था फ्लावरिंग का। यहाँ पे लोगों को इतने से हो पाए हाखा वाखा प्लांट्स नहल, बाकी अभी तो आप समझो 100 से 1 लाख का प्लांट भी यहाँ पे कस्टमर प्रेफर कर रहा है, इतना शौक बढ़ गया है यहाँ पे। अभी तो पहले घर में से एक दो बंदे बुजुर्ग आते थे वो पसंद कर, लेकिन अभी यूथ जनरेशन खुद आ रही है पौधे लगाने के लिए, फ्लावर्स। और पहले साल भर वेट करना पड़ता था फ्लावर उगने में, अभी हाइब्रिड हमारे पास है, उसमें एक दो महीने वेट करना पड़ता है और फ्लावर्स आते हैं।
Lychee farming has become boom for farmers of Marsh and Akhnoor areas of Jammu. Nearly 1,500 farmers from these areas are indulged in lychee farming. J&K Horticulture Department has helped the farmers to generate income from lychee farming. Farmers are happy as lychee fruit farming has helped them in increasing their income. One of the farmers said each plant has fruit bearing capacity of 60 to 70 kg. Expected to go up to 1.5 quintal in next 4 to 5 years. We did not get benefit as much with wheat and paddy farming. जुलाई 2011 में मुझे याद है कि 8 जुलाई 2011 में ये बाग लगाया हार्टिकल्चर की कलेबोरेशन से, तो तब से हम चल रहे हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आज 10 साल नहीं हुए, समझो 10 साल के करीब है, तो बाग बड़ा एस्टेब्लिश हो गया है। इसमें फ्रूट बीरिंग कैपेसिटी जो है एक पौधे की 60 से 70 किलो पर आ गई है, जो लगता है कि आने वाले 4-5 साल में तकरीबन 1.5 क्विंटल तक पहुँच जाएगी, पीक पर पहुँच जाएगी। तो इसका अगर हम मान के चलते हैं कि हमें 30-40 रुपये किलो भी मिलेगा होलसेल के भाव से, तो तब भी हमें 5-6 हज़ार एक प्लांट की इंसेंटिव जो है वो आ सकता है। तो हमने 125 प्लांट लीची का लगा के रखा हुआ है। पहले आप पैदावार उगाते थे, उससे आपको लगता है कि दूसरी पैदावार इससे दो गुना इनकम इसकी हो गई है, प्लस वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, प्लस शोर्टी स्कोटी है, कोई इतना करना नहीं है, नॉमिनल सा खर्चा करना है। वन प्लांट एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद ये है सारा बड़ा अच्छा चलता है। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार स्पेंट अ मेमोरेबल डे विद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जवान्स गार्डिंग द बॉर्डर एट लाइन ऑफ कंट्रोल। द बॉलीवुड एक्टर डांस्ड विद जवान्स एंड लोकल्स एट गुरेज। ही डोनेटेड 1 crore फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस एट LOC। Watching Jammu and Kashmir Weekly News Bulletin with Halima Sadia today. Tag TV Canada America ki janib se Kashmir News and Views Bulletin.